आज मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ उन तीन टेस्ट के बारे में जो कि आपको जरूर कराने चाहिए अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है। ये तीन टेस्ट आपके डायबिटीज का इवेल्युएशन तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के कारण आपकी बाकी मेजर ऑर्गन्स पे कितना इफेक्ट हुआ है। इसके इवेल्युएशन के लिए हम मोस्टली फास्टिंग, पोस्ट प्रांडल एंड रैंडम ब्लड शुगर चेक करते हैं, बट इन तीनों टेस्ट की लिमिटेशन है। फास्टिंग, पीपी एंड रैंडम भी आपके ब्लड शुगर लेवल का इन्फॉर्मेशन शेयर करती है करेंट टाइम का, जो कि फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंगली कि आपने लास्ट मील क्या खाई थी। सो वो तीन टेस्ट जो एग्जैक्टली आपके बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज के सिचुएशन को एनालाइज करती हैं, वो है नंबर 1 HbA1c टेस्ट, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। ये आपके ब्लड शुगर लेवल की 3 महीने की सिचुएशन बताती है। दूसरी है फ्रुक्टोसामाइन टेस्ट, ये आपके शुगर की लास्ट 3 वीक्स की हिस्ट्री बताती है। नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, ये एग्जैक्टली बताती है कि आपके पैनक्रियास के सेल्स कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये तीन टेस्ट सिर्फ आपकी डायबिटीज का ही इवैल्यूएशन नहीं करते, ये भी बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के कारण आपकी किडनी, हार्ट, आईज एंड नर्वस सिस्टम को कितना इफेक्ट होने वाला है या ऑलरेडी हो चुका है। मेरा ये वीडियो देखने वाले सभी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये 3 टेस्ट जरूर करवाइए एंड अपनी डायबिटीज की एक्चुअल कंडीशन जानिए, अपनी डायबिटीज को रिवर्स कीजिए, अपने ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाइए। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।